हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों? वर्ष 2018 साल का पहला महापर्व मकर संक्रांति। दोस्तों, मकर संक्रांति का पर्व इस बार सर्वार्थ सिद्धि योग और पारिजात योग में मनाया जा रहा है और इस दिन सूर्य राशि परिवर्तन कर मकर राशि में प्रवेश करने वाले हैं। दोस्तों, इस बार मकर संक्रांति का पर्व बहुत ही खास ज्योतिष योग में आ रहा है और इस दिन सूर्य राशि परिवर्तन कर मकर राशि में प्रवेश तो करेंगे ही, साथ ही साथ इस दिन दक्षिणायन से उत्तरायण भी होते हैं। दोस्तों, उत्तरायण को देवताओं की दिन माना जाता है और दक्षिणायन को देवताओं की रात्रि मानी जाती है। इसलिए माना जाता है जब सूर्य उत्तरायण होता है तो हम सबकी जिंदगियों में पॉजिटिविटी का वास होने लगता है। दोस्तों, इस बार क्या खास है 2018 में, आपको बता रही हूं। बहुत ही शुभ संयोग में आ रहा है मकर संक्रांति का पर्व। सर्वार्थ सिद्धि योग और परिजात योग तो है ही, साथ ही त्रयोदशी तिथि रविवार को पढ़ने से सर्वार्थ सिद्ध योग और गुरु और मंगल के साथ तुला राशि में रहने से पारिजात योग बना रहे हैं। इसके अतिरिक्त दोस्तों, मकर संक्रांति का पर्व सूर्य का पर्व माना जाता है और रविवार का दिन सूर्य देवता का दिन माना जाता है। दोस्तों, सूर्य भगवान का वार है, ऐसे में इस अद्भुत खगोलीय घटना का महत्व और ज्यादा बढ़ जाता है। हर बार किसी न किसी वाहन पर बैठकर आती है मकर संक्रांति दोस्तों, और इस बार मानी जा रही है हाथी पर बैठकर आएगी मकर संक्रांति। विद्वान ज्योतिषियों के अनुसार सूर्य देव दोपहर 1:45 पर शनि की राशि मकर में प्रवेश करेंगे, जहां वो अगले माह तक रहने वाले हैं। दोस्तों, इस मकर संक्रांति का नाम राजसी है, वह यह समस्त जीवों हेतु कर्म फलदायी रहने वाली है। दोस्तों, पीले वस्त्र पहने कल के दिन आप और धनुष और ध्वजा धारण किए हुए हाथी पर बैठकर आएगी और बैल पर बैठकर के जाएगी दोस्तों, और इस बार महापुण्य काल भी दिन के 2 बजे से लेकर के 2:24 तक रहने वाले हैं। दोस्तों, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मकर संक्रांति पर दान पुण्य करने से हजारों गुना पुण्य की प्राप्ति होती है, इसलिए इस दिन विशेष रूप से धर्म और कर्म किए जाते हैं। इनमें भी बहन बेटियों को शगुन की चीजें देना, उपहार देना, भिखारियों को, कंगालियों को भोजन वस्त्र आदि का दान करना, कंबल का दान करना, गायों को चारा खिलाना, पक्षियों को दाना खिलाना, सभी कार्य बहुत ही फलदायी माने गए हैं। दोस्तों, इस दिन सूर्य देवता के निमित्त किए गए जो भी आप पूजा पाठ करते हैं, जन्म कुंडली में सभी ग्रहों को अनुकूलता प्राप्त होती है और व्यक्ति जीवन में अधिक से अधिक तरक्की करने लगता है। दोस्तों, मैंने आपको पहले भी बताया कि मकर संक्रांति पर दान का बहुत ज्यादा महत्व होता है। ऐसा माना जाता है इस दिन दान करने से कई यज्ञों के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है और बहुत से लोग मकर संक्रांति पर 14 चीजें दान करने का संकल्प भी लेते हैं। दोस्तों, इस संकल्प के अंतर्गत 14 योग्य व्यक्ति को संक्रांति के निमित्त रखा जाता है और समान दान किया जाता है। मकर संक्रांति पर हर राशि के अलग अलग लोग पर अलग अलग प्रभाव होते हैं और इसलिए अपनी अपनी राशि के अनुसार इस दिन अगर आप दान कर सकते हैं तो दोस्तों आपके लिए अलग फायदेमंद होता है। बात करते हैं हम मेष राशि की। दोस्तों, ये मकर संक्रांति मेष राशि वालों के लिए शुभ फलदायी है और उनका अपना भूमि या वाहन का सपना साकार कर सकता है। व्यवसाय में विस्तार होता है, लाभ की संभावना दिखाई दे रही है और इस राशि वालों को मच्छरदानी, तिल का दान करना बेस्ट रहने वाला है। बात करते हैं हम वृषभ राशि वालों की। दोस्तों, इनकी नौकरी में उन्नति की संभावना है। विवाद जो भी आपके जिंदगी में मुसीबतें चली आ रही थी, उन सब से आपको मुक्ति मिलने वाली है। आप चाहें तो पार्टनरशिप में भी नया धंधा कर सकते हैं और आप अगर आज के दिन उन्हीं वस्त्र, अनाज आदि का दान, कंबल आदि का दान करते हैं तो आपके लिए विशेष फलदायी होता है। बात करते हैं मिथुन राशि की। दोस्तों, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। आप अगर रोजगार प्राप्ति का करना चाह रहे हैं चेष्टा, तो दोस्तों आपको ज़रूर मिलेगा रोजगार। जो लोग नौकरी के लिए अभी तक छटपटा रहे थे, उनके लिए अच्छा समय आ रहा है। अब आपकी नौकरी के योग बन रहे हैं, आपको कंबल, तिल के लड्डू आदि का दान करना चाहिए।
वहीं कर्क राशि वाले अपने विरोधियों से थोड़े से सावधान रहें। रुके हुए कार्य जो काफी दिन से पेंडिंग थे वो सभी पूरे होने के योग बन रहे हैं और मकर संक्रांति पर आपको साबूदाना शहद का दान आपके लिए विशेष फलदायी होने वाला है। बात करते हैं दोस्तों हम सिंह राशि की। यदि आप किसी वाद विवाद में उलझे हैं तो समझौते की संभावना है, थोड़े से शांत हो जाएं। संपत्ति में वृद्धि के योग बन रहे हैं और सिंह राशि वालों को चने की दाल और घी का दान करना विशेष फलदायी होने वाला है। जब हम बात करते हैं कन्या राशि की तो कोई भी पुरानी इच्छा आपकी पूरी हो सकती है। नौकरी में पद उन्नति की संभावना है, अगर अभी तक नौकरी नहीं थी तो मिलने के आपको विशेष योग मिल रहे हैं। व्यवसाय में लाभ हो सकता है, चादर और गर्म वस्त्रों का दान आपके लिए विशेष शुभ फलदायी हो सकता है। इससे जो भी अशुभता आपके आने वाले जीवन में है उन सभी की संभावनाएं कम हो जाने वाली है। बात करते हैं हम तुला राशि की। आपके मान सम्मान में विशेष वृद्धि के योग दिख रहे हैं, जबकि ऋण में अगर आप कर्ज में डूबे हुए हैं तो उसमें आपके कमी आएगी। मेहनत करेंगे तो आर्थिक लाभ आपको जरूर मिलेगा। गुड़, तिल का तेल और चावल का दान दें, इससे आपके जीवन में शुभता आएगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों वृश्चिक राशि वालों की। मतभेदों से बचे, बीच में पड़ पंचायती ना करें वृश्चिक राशि वाले। कार्य क्षेत्र में इधर की उधर ना करें। दूध दही और तिल से बने हुए व्यंजन का दान आपके लिए उत्तम होने वाला है। धनु राशि वाले, नौकरी में वरिष्ठों द्वारा परेशानियां पैदा की जा सकती है, इससे बचने के लिए चने की दाल पीली गाय को खिलाएं और हल्दी का दान करें। बात करते हैं मकर राशि वालों की। दोस्तों इस राशि के लिए सब शुभ ही होने का अनुमान है और आपके लिए तो विदेश यात्रा भी संभव हो रहा है। रोज सूर्य को जल जरूर चढ़ाएं, उड़द की दाल, सरसों का तेल और राई का दान करें, संकटों से छुटकारा मिलेगा। कुंभ राशि वाले, नौकरी में मान सम्मान के योग बढ़ रहे हैं और व्यवसाय में धन बढ़ने वाला है। गरीबों में कंबल, काले तिल और तेल का दान करेंगे तो विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। दोस्तों लास्ट बट नॉट द लीस्ट मीन राशि वालों को आर्थिक क्षेत्र में फायदे के योग बन रहे हैं। विरोधी आपके दबाव पे रहने वाले हैं। गेहूं, गुड़ और कंबल का दान आपके लिए विशेष लाभदायी होने वाला है। ये तो हुआ दोस्तों आप राशि अनुसार क्या क्या आप दान कर सकते हैं और भाग्य उदय के लिए कॉमन रूप से कैसे सभी को पूजा करनी है वो मैं बता देती हूँ। सबसे पहले मकर संक्रांति पर दोस्तों स्नान का महत्व होता है। किसी भी नदी, पोखर, तालाब, पवित्र जल में कहीं पर भी कुंड हो, सागर हो, आप स्नान करें और कहीं नहीं तो अपने घर के वॉशरूम में थोड़े से तिल डाल करके, उपटन लगा करके कल के दिन आप स्नान करें। स्नान आदि से निवृत्त होकर पूरब की ओर मुख करके सूर्य देवता का पूजन करें। कैसे करें? एक तांबे का पात्र ले लें, उसमें थोड़े से रोली, थोड़े से लाल फूल और थोड़े से गुड़, हो सके तो 21 दाने लाल मिर्च के। अगर आपके ऊपर कर्ज आदि है, पैसे को लेकर समस्या है तो लाल मिर्च का ये उपाय आपको विशेष काम करने वाला है। आपको ये सब चीजें जल में डाल करके तांबे के पात्र में आपको किसी मंदिर या घर के पूजा स्थान में लेकर के इसको बैठ जाना है। उसके बाद एक मंत्र की आपको माला करनी है, ओम रंग रिंग स। ठीक है, क्या बोलेंगे? ओम रंग रिंग स। इस मंत्र की आपको एक माला यानी कि 108 बार आपको जप करना है और आदित्य हृदय स्तोत्र इस पाठ का एक बार पाठ करें। जप के बाद अपने अपने श्रद्धा अनुसार किसी गरीब या भिखारी को कुछ भी खाने पीने या वस्त्र आदि का आपको दान करना है। इससे बड़े से बड़ा दुर्भाग्य दूर होता है और उसके बाद उस जल को पतली सी धारा करके आपको सूर्य देवता को अर्घ दे देना है। दोस्तों खर मास की समाप्ति हो रही है, शुरू होने वाले हैं सारे शुभ कार्य। मकर संक्रांति के साथ साथ ही खर मास समाप्त हो गया है और शुभ कार्यों पर लगी हुई रोक हट जाने वाली है। हालांकि अभी शुक्र उदय होने के कारण विवाह आदि कार्यों में थोड़ा सा टाइम और लगेगा, लेकिन बाकी सारे मांगलिक कार्य आप कर सकते हैं।
दोस्तों बसंत पंचमी पर भी अबूझ मुहूर्त बनेगा, वो मैं आपको डिटेल बाद में बता दूंगी। बसंत पंचमी भी आने वाली है जिसमें आप किसी भी शुभ कार्य को आरंभ कर सकते हैं। दोस्तों पूरे भारत वर्ष में अलग अलग नामों से मनाई जाती है मकर संक्रांति, और मकर संक्रांति का पर्व बहुत ही आध्यात्मिक महत्व वाला है। इसे मनाने का तरीका पूरे भारत में अलग अलग है और अलग अलग कथाएं इसके बारे में प्रचलित होती है। कहीं कहा जाता है कि गंगा जी भागीरथ के पीछे चलकर कपिल मुनि के आश्रम से होकर सागर में आज के दिन मिली थी, तो कहीं कहते हैं कि महाभारत काल के महान योद्धा भीष्म पितामह ने अपनी देह त्यागने के लिए मकर संक्रांति का चयन किया था। दोस्तों भगवान विष्णु ने असुरों का अंत कर युद्ध समाप्ति की घोषणा इसी दिन की थी और सभी असुरों के सिरों को मंदार पर्वत में डुबो दिया था। इस प्रकार ये दिन बुराइयों और नकारात्मकता को खत्म करने का दिन भी माना जाता है। दोस्तों कहा जाता है कि भगवान सूर्य अपने पुत्र शनि देवता से मिलने स्वयं एक ही दिन पूरे साल में उनके घर जाया करते हैं, और शनि देव चूंकि मकर राशि के स्वामी हैं इसलिए इस दिन को मकर संक्रांति के नाम से हम जानते हैं। दोस्तों इसके व्रत करने का नियम ऐसा माना जाता है कि यशोदा मैया ने जब कृष्ण जन्म के लिए व्रत किया था तब सूर्य देवता उत्तरायण काल में पदार्पण कर रहे थे और उस दिन मकर संक्रांति भी थी, इसी वजह से मकर संक्रांति का व्रत प्रचलित हुआ। दोस्तों मकर संक्रांति का पर्व बहुत ही आध्यात्मिक पर्व है और इसे मनाने के तरीके जैसा मैंने बताया अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से मनाया जाता है। दक्षिण भारत में तमिलनाडु में इसे पोंगल के रूप में मनाते हैं, पंजाब हरियाणा में लोहड़ी के रूप में और असम में बिहू के रूप में मनाया जाता है। इसी तरह से आंध्र प्रदेश केरल और कर्नाटक में इसे संक्रांति कहकर धार्मिक उत्सव मनाते हैं और बाकी पूरे देश में मकर संक्रांति के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन है, अपने फ्रेंड्स फैमिली मम्मी पापा भाई बहन बच्चे सभी से इस वीडियोस को ज़रूर शेयर करें क्योंकि हमें नहीं पता कौन सी वीडियो कब किसकी लाइफ बदल दे। लव यू ऑल फ्रेंड्स, किसी भी तरह के क्वेश्चंस हो प्लीज़ मुझे वीडियो के नीचे लिख के ज़रूर पूछ लें, और हाँ दोस्तों सब्सक्राइब करके रखें ताकि आप और मैं आने वाले वीडियोज़ के थ्रू कनेक्टेड रहें। लव यू ऑल फ्रेंड्स, टेक केयर, जय माता दी, विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी मकर संक्रांति, हैप्पी पोंगल, हैप्पी लोहड़ी, हैप्पी बिहू एंड हैप्पी संक्रांति। टेक केयर, लव यू ऑल, जय माता दी, सब्सक्राइब करके रखें ताकि आप और मैं आने वाले वीडियोस के थ्रू कनेक्टेड रहें। जय माता दी।